गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछली कक्षा में व्यवहारवादी क्रांति के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार जो व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान में जो है पूरी तरह से उसको परिवर्तित किया और उसमें एक नए युग की शुरुआत की, जहां राजनीति विज्ञान में पहले जो परंपरागत दृष्टिकोण था उस परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार अध्ययन हो रहा था और उसी के अनुरूप अध्ययन पद्धतियां थी, अध्ययन का दृष्टिकोण था, अध्ययन क्षेत्र था। उसके विपरीत जब आधुनिक दृष्टिकोण अस्तित्व में आया दूसरे महायुद्ध के बाद में व्यवहारवादी क्रांति हुई और उस व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान में एक नए युग की शुरुआत की आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में। तो एक नया दृष्टिकोण आया जिसे हम कहते हैं आधुनिक दृष्टिकोण, जो मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था। और व्यवहारवादी क्रांति के अनुसार ही जो है राजनीति विज्ञान में अध्ययन की नई पद्धतियां शुरू हुई और अध्ययन में वैज्ञानिक और आनुभविक जो है वह अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग शुरू किया गया और अध्ययन को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने पर बल दिया गया। तो इस प्रकार व्यवहारवादी क्रांति ने जो है राजनीति विज्ञान में एक नई सोच की शुरुआत की और अध्ययन को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने पर बल दिया। तो हमने पिछली कक्षा में व्यवहारवादी क्रांति के बारे में पढ़ा था कि व्यवहारवादी क्रांति में डेविड ईस्टन ने जो आठ उसकी विशेषताएं बताई थी और हमने आठ विशेषताओं के बाद में उसकी आलोचना कमियां पढ़ी थी कि व्यवहारवादी जो है उपागम में किस प्रकार कमियां जो दोष उत्पन्न हो गए थे और उन दोषों के बावजूद भी जो है उसकी हमने उपयोगिता और महत्व के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, दूसरे महायुद्ध के बाद में व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत हुई और व्यवहारवादी क्रांति में जो कुछ कमियां दोष और उत्पन्न रह गए थे उन कमियों दोषों को दूर करने के लिए एक नए जो है उपागम की शुरुआत हुई जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तर व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद में जो कमियां दोष जो रह गए थे उन कमियों दोषों को दूर करने के लिए ये एक सुधारात्मक आंदोलन था। क्या था ये? सुधारात्मक आंदोलन। यह एक सुधारात्मक आंदोलन था और व्यवहारवाद में जो कमियां और दोष रह गए थे उन कमियों दोषों को दूर करने के लिए जो है उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जो है सूत्रपात हुआ। अर्थात व्यवहारवाद में जो कमियां दोष रह गए थे उन कमियों दोषों को दूर करने के लिए राजनीति विज्ञान में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन। तो देखिए, उत्तर व्यवहारवाद एक सुधारात्मक आंदोलन था जो व्यवहारवाद में उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए शुरू किया गया। तो देखिए, उत्तर व्यवहारवाद अर्थात व्यवहारवाद के बाद में जब दूसरे महायुद्ध के बाद में व्यवहारवाद विषय की अर्थात व्यवहारवाद शुरू किया गया, व्यवहारवादी क्रांति हुई, तो इस क्रांति के 20 साल बाद व्यवहारवादियों ने इसमें उत्पन्न दोष और कमियों को ढूंढना शुरू किया और इसमें उत्पन्न जो और दोष जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत हुई, उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। तो देखिए, व्यवहारवाद में जो कमियां रह गई थी उसके व्यवहारवाद शुरू होने के बाद 20 साल बाद में जो है व्यवहारवादियों को एक नए जो है अर्थात व्यवहारवाद में सुधार करने के लिए एक नए उपागम की उन्हें आवश्यकता महसूस हुई और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो देखिए, व्यवहारवाद के बाद में हम उत्तर व्यवहारवाद को मानते हैं कि व्यवहारवाद में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सुधारात्मक आंदोलन की हम इसे संज्ञा देते हैं। तो देखिए, व्यवहारवाद में जो कमियां हमने देखी थी, व्यवहारवाद में ये कमी थी कि व्यवहारवाद जो है मूल्य निरपेक्ष अध्ययन था। व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष अध्ययन था
तो व्यवहारवादियों को इसका सबसे बड़ा दोष ये नजर आया कि व्यवहारवाद में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन अर्थात मूल्यों को अलग रखकर जो है अध्ययन किया जाने लगा। अब मूल्यों के बिना, आदर्शों के बिना जो है वह अध्ययन किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि जब एक शोधकर्ता शोध करता है तो अपने मूल्यों से, अपने आदर्शों से कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। तो अब व्यवहारवाद में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात की गई, जो कि इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि व्यवहारवाद में मूल्यों के बिना अध्ययन की शुरुआत की गई, जो कि बिल्कुल असंभव था, जो कि हमने व्यवहारवाद की आलोचना में आपको पढ़ाया था कि व्यवहारवाद में सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें मूल्यों को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया गया, मूल्यों से तटस्थ होकर इसमें अध्ययन किया गया। जबकि उत्तर व्यवहारवाद जो है, उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों को स्थान दिया गया, मूल्यों को स्थान दिया गया अर्थात मूल्य सापेक्ष अध्ययन। तो उत्तर व्यवहारवाद में मूल्य सापेक्ष अध्ययन की शुरुआत हुई और अध्ययन में मूल्यों को पूरी तरह से स्थान दिया गया, जो कि व्यवहारवाद में नहीं दिया गया था। तो आप ये कहेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद तो क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण का नमूना है, लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण जो है उसमें हम अध्ययन की पुरानी पद्धतियों को शामिल करते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवाद में हम अध्ययन की नई पद्धतियों को शामिल करते हैं, अर्थात इसमें वैज्ञानिकता को हम शामिल करते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वह वैज्ञानिकता से पूरी तरह से युक्त है और यह इसे एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में, एक विशुद्ध विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान का विषय बनाने की दिशा में ये बहुत ही जो है इसका भरकस प्रयास है। तो देखिए, उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों को स्थान दिया गया और व्यवहारवाद में मूल्यों को स्थान नहीं दिया गया। तो सबसे बड़ी कमी यह रह गई कि इसमें मूल्य जो है बिल्कुल भी नहीं शामिल किए गए, जबकि उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों को शामिल किया गया। तो व्यवहारवाद के 20 साल बाद, जब व्यवहारवादी आंदोलन शुरू हुआ, तो उसके 20 साल बाद जो इस की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता महसूस की गई कि इसमें जो कमियां दोष थे उसे दूर करने के लिए एक नए अध्ययन की शुरुआत की जाए, तो अब उत्तर व्यवहारवादी उपागम आया, जो व्यवहारवाद के बाद में, व्यवहारवाद में जो उत्पन्न जो दोष कमियां थी अर्थात व्यवहारवाद में सुधार के लिए, इसीलिए इसे हम सुधारात्मक आंदोलन कहते हैं उत्तर व्यवहारवाद को, क्योंकि ये व्यवहारवाद में जो कमियां दोष रह गए थे उन्हें दूर करने के लिए एक सुधार आंदोलन की तरह ये शुरू हुआ। तो देखिए, उत्तर व्यवहारवाद में हम ये देखते हैं कि इसमें मूल्यों को जो है वह स्थान दिया गया और डेविड ईस्टर्न ने 1969 में, पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के, पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की अपने 65वें अधिवेशन में, अध्यक्षीय भाषण में कहा कि व्यवहारवाद जो है, यह पूर्णतः अप्रासंगिक है और इसने
अधिक समय नष्ट कर दिया गया। कहा कि व्यवहारवाद अप्रासंगिक है, और इसने अधिक समय नष्ट कर दिया है। तो देखिए, डेविड ईस्टर ने 1969 में पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने 65वें अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि व्यवहारवाद अप्रासंगिक है और इसने अधिक समय नष्ट कर दिया, अर्थात